दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। ट्रेनों में फिल्म स्टाइल में लूटपाट करने वाले गिरोह को उत्तरी दिल्ली पुलिस ने पहुंचाया सलाखों के पीछे। जैसा अधिकारी ने बताया, मास्टरमाइंड ग्रुप का मुखिया धूम 2 की तर्ज पर ट्रेनों में लूटपाट किया करता था, जिस गिरोह को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 17 अगस्त को समयपुर बादली इलाके में एक हुंडई क्रेटा गाड़ी लूटने की वारदात रिपोर्ट हुई। इसमें शिकायतकर्ता रोशन लाल, जो कि एक ड्राइवर हैं, वो अपने कुछ साथियों का इंतज़ार मुकरबा चौक पे कर रहे थे और उसी समय उनको 4 लोगों ने आकर घेरा और उनके साथ जबरन उनको गाड़ी में बिठाया और कुछ दूर ले जाकर पल्ला लाल बत्ती पर पिस्तौल दिखाकर उनकी गाड़ी छीन ली और उनको वहाँ पर उतार दिया। उस गाड़ी में GPS लगा हुआ था और इसकी सूचना बादली पुलिस को इमीडिएटली मिल गई। हमारी टीम उसी समय एक्शन में आ गई और उस गाड़ी की GPS लोकेशन को ट्रेस करते करते हमने जाकर उस गाड़ी को गाज़ियाबाद में लोकेट कर लिया और ये पूरा ऑपरेशन 1 घंटे के अंदर कंप्लीट हो गया। इस पूरे गैंग का जो मास्टरमाइंड था वो श्रीकांत नाम का एक आदमी है जो यूपी पुलिस में कांस्टेबल है। ये 2011 में भर्ती हुआ था यूपी पुलिस के अंदर। ये इस पूरे गैंग का सरगना निकल के आया। इसका जो तरीका था ये पूरी वारदात में अंजाम देने का, वो इस तरीके से था कि इसके जो बाकी 4 साथी हैं, रघु, अमन, सूरज और समीर, वो चारों जाकर वारदात करते थे और पूरी वारदात को ये अपने कमरे में बैठकर मॉनिटर करता था। वहाँ से ये पूरा सुपरवाइज करता था उसको और उसके बाद जब वो वारदात आकर के गाड़ी को ठिकाने लगा देते थे। इसका मुख्य काम ये होता था, जैसे धूम फिल्म के अंदर जब जॉन अब्राहम अपने साथियों के साथ वारदात करके आता था तो उनका एक साथी इंतज़ार कर रहा होता था जो गाड़ी में उनको सेफ एग्जिट दे देता था और उस केस प्रॉपर्टी को बाद में सेफली रिमूव करके जो लूटा माल है और उसकी जो इनकम या जो भी उससे कमाई होनी है उसको ऑब्टेन करके आपस में बांट ले। तो इसका ये काम होता था। उस दिन भी इसने ऐसा ही किया। ये चारों अपनी वारदात करके आए, गाड़ी इन्होंने खाली जगह पे लोकेट करी और इसने अपनी गाड़ी में उन चारों को बिठा के अलग अलग जगह पे दिल्ली में छोड़ दिया। इन साथियों में एक रघु नाम का जो साथी है, रघु खोसला उसका नाम है, ये एक मुख्य तौर पे बहुत ही शातिर बदमाश है जो हमारे हाथों पकड़ा गया। इसका जो स्टार्ट रहा है क्रिमिनल करियर का, वो रहा है ट्रेन के अंदर लूट की, चोरी की और धोखाधड़ी की वारदात करने से। आज तक 100 से ज़्यादा मुकदमे, 100 से ज़्यादा वारदातें ये ट्रेन के अंदर कर चुका है और इसको ट्रेन में चोरी करने के चलते हाई फ्लायर के नाम से भी जाना जाता है। इंटरोगेशन में इसने बताया कि धूम 2 फिल्म जो आई थी जिसमें ऋतिक रोशन ने हर वारदात में एक नया गेटअप लिया है, उससे इंस्पायर होके हर चोरी करने से पहले, हर लूट करने से पहले ये एक नया पूरा एक अपना गेटअप बनाता था और उस गेटअप के बाद ये तब तक वारदातें करता था जब तक कि कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख रुपए की केस प्रॉपर्टी एक दिन में ना लूट ले। उससे पहले ये ट्रेन से नहीं उतरता था, चाहे इसको कितनी भी ट्रेनें बदलनी पड़ी। और ये अभी 20 मुकदमों में वांटेड भी चल रहा था। इसको श्रीकांत की, हमने जो श्रीकांत की इंटरोगेशन करी उसी से इसके बारे में जानकारी हमने मुहैया करी और ये हमें जामा मस्जिद के इलाके में एक जगह पर छुपा हुआ पाया गया। वहाँ पे हमने इसको रेड करके पकड़ा। इसने भागने के लिए, अपने को बचाने के लिए वहाँ पर एक गोली भी चलाई हमारे स्टाफ पर और हमारे स्टाफ ने बहुत ही बहादुरी से इसको ओवर पावर करके वहाँ पर पकड़ा। इसके बाकी 3 साथी, अमन, सूरज और समीर, वो अभी इस वारदात में जो अपराधी बाकी बच रहे हैं उनकी तलाश जारी है और बहुत जल्दी वो पकड़े जाएंगे। इसी के साथ में हमें 2 से 3 और इस तरह की वारदातें जो इन्होंने करी है उसकी जानकारी भी मिल गई है। इसके अलावा जो हमारा शिकायतकर्ता रोशन लाल है, उसका मोबाइल फ़ोन और उसके जो दस्तावेज़ थे वो सारे के सारे श्रीकांत से हमने रिकवर कर लिए हैं और बाकी बदमाशों की तलाश जारी है और जैसे ही वो सूचना हमारे पास आएगी हम आपको अपडेट करेंगे। धन्यवाद।